सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के ओबरा विद्युत परियोजना में 25 वर्षों से संविदा श्रमिक के पद पर कार्यरत 7 मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने के बाद आक्रोशित मजदूर रोजी रोटी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। परियोजना गेट पर बैठे भूख हड़ताल पर मजदूरों को कई श्रमिक संगठनों ने अपना समर्थन देकर मजदूरों को काम पर रखे जाने की मांग अधिकारियों से की है। ओबरा विद्युत परियोजना में 25 वर्षों से संविदा श्रमिक के पद पर कार्यरत 7 मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने के बाद आक्रोशित मजदूर रोजी रोटी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। परियोजना गेट पर बैठे भूख हड़ताल पर मजदूरों को कई श्रमिक संगठनों ने अपना अपना समर्थन देकर मजदूरों को काम पर रखे जाने की मांग अधिकारियों से की है। मजदूरों का कहना है कि हम लोग 25 वर्षों से ओबरा विद्युत परियोजना में काम कर रहे हैं, बिना किसी नोटिस के अधिकारी द्वारा हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हम लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। जब तक हम लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, हम लोग अपने भूख हड़ताल नहीं समाप्त करेंगे। संविदा मजदूरों को बिना किसी सूचना के नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। 25 वर्षों से मजदूर ओबरा परियोजना में काम कर रहे थे। संगठन मजदूरों के हित के लिए विद्युत परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों को काम पर रखे जाने की मांग करेगा। जब तक मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाएगा, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलती रहेगी। कि कुछ कार्यकर्ता धरने बैठे, क्या मामला है? हमारे संगठन से ये BMD के साथ संविदा मजदूर हैं, जिनको 1 अप्रैल से बिना किसी सूचना के कार्य से बैठा दिया गया है। इन्होंने लिखित हमारे संगठन से आग्रह किया कि आप हमारे लिए नौकरी दिलाने का प्रयास करिए, जिसके तहत जो भी आंदोलन होगा उसमें हम बराबर के भागीदारी होंगे। ये मजदूर कई साल से परियोजना में काम कर रहे थे? ये मजदूर 2500 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो क्या रणनीति है आप लोग के आगे की? हम लोग की रणनीति है कि अभी तो प्रशासन की कोई हिलावली नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी इन लोग का जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा। हमने जिला स्तर और प्रदेश स्तर के अपनी परियोजनाओं से बात किया है। आज परियोजनाओं में मांग पत्र सभी मुख्यालय CGM मुख्यालय को अपने अपने संगठन से सब प्रेषित कर दिया। ओम प्रकाश जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग वहाँ 25-30 वर्षों से कार्य कर रहे थे। एक बैग बिना नोटिस के, बिना सूचना के हम लोगों को बैठा दिया गया, ये कह करके कि वहाँ यहाँ पर काम नहीं है, जबकि मेरा कंप्रेसर लगातार अभी तक चल रही है। तो कितने आदमी हैं जिनको काम से निकाला गया? हम लोग 7 आदमी हैं। क्या साल से लोग परियोजना में काम कर रहे थे? हम लोग 25-30 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति है आप लोग की? रणनीति है कि जब तक हम लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है।